ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक हो और उसके बीच में फ्रिक्शन निकालना और साथ में कंबाइंड एक्सीलरेशन या एक पर्टिकुलर ब्लॉक का हमें एक्सीलरेशन निकालना, ये क्वेश्चन जेईई मेंस और एडवांस के अंदर अक्सर आप लोगों ने देखा होगा और बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इस ट्रिक से आप आसानी से चीजों को समझ जाएंगे। देखिए यहां पर 2 kg का ब्लॉक है, 10 kg का ब्लॉक है, इसके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ये स्मूथ सरफेस है, इस पे लग रहा है 24 न्यूटन, तो बताना है कि क्या ये कंबाइंड चलेगा साथ में, अगर नहीं तो फिर दोनों का एक्सीलरेशन क्या होगा। तो हम सबसे पहले ऐसा मानते हैं कि अगर ये दोनों साथ में चल रहा है तो एक्सीलरेशन एफ अपॉन एम के हिसाब से 2 m/s का स्क्वायर है। अगर ये पूरा कंबाइंड बॉडी 2 के हिसाब से चल रहा है तो 10 kg के ब्लॉक को 2 m/s² के एक्सीलरेशन के लिए रिक्वायर्ड फोर्स कितनी है, मास इनटू एक्सीलरेशन से 20 न्यूटन। बट बच्चा लोग उस पे तो कोई फोर्स नहीं लग रहा ना, इन दोनों के बीच में फोर्स कौन सा, एफएस मैक्सिमम, और एफएस मैक्सिमम कितना है 4 न्यूटन, यानी अवेलेबल 4 न्यूटन है और लग रहा है कितना चाहिए, कितना 20 न्यूटन, मतलब कि ये और ये दोनों साथ में नहीं चल सकते। तो अब मैंने 2 kg का FBD बनाया, लग रहा है फोर्स 24 न्यूटन, एफएस मैक्सिमम 4 न्यूटन, यानी एक्सीलरेशन आ गया 24 - 4/2। उसी तरीके से नीचे वाले ब्लॉक पर मैक्सिमम फोर्स जो है फ्रिक्शन का ही है, तो एफएस मैक्सिमम आपका 4 था ही, मास इनटू एक्सीलरेशन से एक्सीलरेशन निकाला, दैट इज 0.4 m². अब आप कमेंट करके बताइए कि अगर ये 24 न्यूटन की जगह 2 न्यूटन होता तो दोनों का कंबाइंड एक्सीलरेशन कितना होता। इसी तरीके और शानदार ट्रिक सीखने के लिए हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।